देश का ये शहर बना कोरोना का हॉटस्पॉट। 10 दिन से है कर्फ्यू, पूरा जिला सील। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर के हालात जानकर आप चौंक जाएंगे। वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध भीलवाड़ा अब वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बन चुका है। मतलब यहां रोज नए रोगी सामने आ रहे हैं। खुद सरकार भी चिंतित है। प्रशासन ने 6000 क्वारंटाइन बेड और 2000 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था कर रखी है। अब तक भीलवाड़ा में 25 रोगी कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। अब तक 2 कोरोना संक्रमित रोगियों की मौत भी हो चुकी है। जिन रोगियों की मौत हुई है उनके परिजनों में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब जिले में कोरोना की कम्युनिटी में एंट्री हो चुकी है। इससे सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। लॉकडाउन के दौरान आवाजाही का परमिट मिलेगा इस ऐप से। राजस्थान पुलिस ने एक मोबाइल फोन में राजकॉप नामक ऐप शुरू किया है। इसकी मदद से कंपनी और व्यक्ति कोरोना पाबंदी के दौरान जरूरी होने पर आने जाने के परमिट हासिल कर सकते हैं। राजस्थान के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के उप महानिरीक्षक ने बताया कि नागरिकों के लिए यह ऐप एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर प्रस्तुत किया गया है। यह भी अंग्रेजी में है, पर इसे लोगों को खासकर कमजोर वर्गों के लोगों की सुविधा के हिसाब से सुधारा जाएगा। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बड़ी मांग की है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना से मुकाबले और इससे गरीब तबके पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए केंद्र से सभी राज्यों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग की है। सीएम ने लिखा है कि अनुदान राशि की पहली किश्त राज्यों को प्रति व्यक्ति जनसंख्या के आधार पर दी जा सकती है। बाद में जिन राज्यों में संक्रमण ज्यादा हो उनको अधिक अनुपात और बाकी राज्यों को समानुपातिक आधार पर अनुदान राशि का वितरण किया जा सकता है। सीएम ने कोरोना संकट पर केंद्र द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। आग की चपेट में आने से 2 भैंसों की मौत। श्री डूंगरगढ़ के बरजांगसर गांव की ढाणी में आग लगने से 2 भैंसें आग की चपेट में जिंदा जल गईं और 2 गायें और 1 भैंस भी झुलस गई। सूचना मिलने पर श्री डूंगरगढ़ थाने के सब इंस्पेक्टर लाल बहादुर मीणा, कांस्टेबल तेजपाल सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। वहीं सूचना मिलने पर बरजांगसर राजकीय पशु उपकेंद्र के प्रभारी मनोज स्वामी और पशुधन सहायक आदुराम सियाग ने मौके पर पहुंचकर उनका इलाज किया। गनीमत रही कि ढाणी में रहने वाले लोग उस समय ढाणी से बाहर थे और खेत में कर रहे थे। बीकानेर वासियों के लिए इमरजेंसी लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की सेवा 24 घंटे चालू। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के प्रकोप से प्राइवेट सेक्टर के स्वास्थ्य कर्मियों और संस्थान के मालिक अपनी सेवा को पिछले 6 दिन से एकदम से ठप कर चुके हैं। ऐसे में बीकानेर जिले के एकमात्र प्राइवेट लैब इमरजेंसी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर कलेक्टर महोदय जी के निर्देश अनुसार अपनी 24 घंटे सेवाएं दे रहा है। लैब ने गरीब असहाय लोगों की सहायता के लिए 41,000 का फंड भी दिया है, जहां ऐसे लोगों की जांच इमरजेंसी लैब निःशुल्क करेगा। झुंझुनू में 21 वर्षीय युवक को कोरोना पॉजिटिव। 18 मार्च को लौटा था फिलीपींस से। कुल संख्या हुई 56। देश भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 56 पर पहुंच गया है। प्रदेश के झुंझुनू जिले में एक और पॉजिटिव मरीज सामने आया, जो कि 18 मार्च को फिलीपींस से राजस्थान लौटा था। 23 मार्च को क्वारंटाइन भेजा, जहां कोरोना के लक्षण दिखने पर सैंपल SMS हॉस्पिटल भेजा गया, जिसके बाद मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दिए सुझाव, कहा हम इस चुनौती में सरकार के साथ। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले रविवार दोपहर तक बढ़कर 969 हो गए हैं। अब तक देश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 25 पहुंच गई है। सरकार हर स्तर पर इस जानलेवा महामारी से निपटने के प्रयास कर रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पीएम मोदी को कोरोना वायरस से निपटने के लिए सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने और इससे लड़ने की चुनौती के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन पर केंद्र का आदेश, लोगों को रोकने के लिए सारी सीमाएं सख्ती से सील करे राज्य। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों के बीच अनिश्चितता का माहौल है। राजधानी दिल्ली जैसे बड़े शहरों को छोड़कर मजदूर अपने गांव वापस लौटने की कोशिश में दिख रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को रोकने के लिए राज्य और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करने को कहा है।
बीकानेर संभाग में मिली कोरोना पॉजिटिव महिला ने चुनाना अस्पताल में गुजारी थी रात। सीकर के सालासर रोड स्थित चुनाना अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला के रात गुजारने की सूचना के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर के संक्रमण फैलने की घटना से सबक लेते हुए चुनाना अस्पताल के 8 कर्मचारियों को तुरंत होम आइसोलेशन में भेजने के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही विभाग ने 14 दिन के होम आइसोलेशन में किसी भी मरीज को नहीं देखने के लिए भी उन्हें पाबंद कर दिया। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव के रुकने के कारण शनिवार को चुनाना अस्पताल प्रशासन ने वार्ड को बंद कर दिया था। वार्ड में भर्ती मरीजों को छुट्टी दे दी थी। साथ ही वार्ड सहित अस्पताल परिसर हाइपोक्लोरेट से 3 बार सैनिटाइज कराया। डूंगरपुर विश्व भर में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी का रूप ले चुकी है। इस महामारी के संक्रमण और फैलाव की रोकथाम के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन के कारण दैनिक मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले निराश्रित असहाय कमजोर तबके के और जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। डूंगरपुर शहर में लॉकडाउन के दौरान शहर भर में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस जवान, चिकित्सा कर्मी, रोडवेज के ड्राइवर और जो लोग दूसरे राज्य से अपने घरों में आ रहे हैं, सभी लोगों के लिए बलवाड़ा सरपंच नानूराम गरासिया और ठाकुर खानदान बलवाड़ा द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई, जो कि पुलिस प्रशासन की मदद द्वारा पूरे डूंगरपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में वितरित किया जा रहा है। सरपंच नानूराम ने बताया कि भोजन का वितरण जब तक लॉकडाउन है तब तक किया जाएगा। प्रतिदिन 500 पैकेट बांटे जा रहे हैं और इस दौरान शहर कोतवाल चांदमल सिंगारिया सरपंच नानूराम गरासिया आशीष रोत कांस्टेबल कोतवाली हरीश पाटीदार बिट कांस्टेबल बलवाड़ा समाज सेवक खतरचंद पटेल थाना फरीद खान बलवाड़ा तौसिफ खान आरटीओ इंस्पेक्टर इनायत खान इम्तियाज खान हनीफ खान हिदायत खान आदि मौजूद रहे। वहीं आम व्यक्ति भी कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान देवनगर रोड पर बिना मास्क लगाकर घूमने और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में 6 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि सांसी बस्ती में करीब 7-8 युवक मुंह पर मास्क लगाए आपस में झगड़ा कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर 2 जने भाग गए और मौके पर सेठी लुहार, सुमार लाल लुहार, मुनीम लुहार, प्रिंस लोहार, अजय सांसी, हंसराज सांसी सहित 6 जनों को गिरफ्तार कर लिया।